ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा सहित देश भर में आज शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाई गई। मुंब्रा में ज़्यादातर मस्जिदों में सुबह 7:30 बजे से ही ईद की नमाज पढ़ाई गई। ईद में मस्जिदों के पास ज़्यादा भीड़ होने की वजह से पुलिस ने भी कड़ा बंदोबस्त किया था। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिले और ईद की मुबारकबाद पेश की, तो वहीं पुलिस की तरफ से भी हर साल की तरह इस साल भी नमाजियों को मस्जिद के बाहर गुलाब दिया गया और ईद की मुबारकबाद पेश की गई। मैं सभी मुंब्रा वासियों को मेरे पुलिस स्टेशन के मुंब्रा पुलिस स्टेशन की तरफ से और मेरे तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ और उनका रमजान मुबारक हो, ईद खुशी से मनाए, हम लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं। आज बड़ा खुशी का त्यौहार है सबके लिए, मेरी तरफ शुभकामनाएं। हमेशा से ईद का जो त्यौहार है वो पूरी अमन शांति से और खुशी से सेलिब्रेट कर सके लोग, इसके लिए हमेशा प्रशासन प्रयत्नशील रहता है। वाहतों का नियोजन जो होता है, जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि लोग रास्ते पे आते हैं, गाड़ियाँ रास्ते पे आती है, स्टॉल लगते हैं, खरीदारी के लिए रास्ते पे उतरते हैं, तो इस वक्त पे अगर ट्रैफिक थोड़ी भी जाम रही, लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुँच नहीं पाए तो ट्रैफिक में उनके त्यौहार सेलिब्रेट करने में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसलिए मेरी मुंब्रा की टीम, मेरे PI जो है मुंब्रा के लंबा थे, मेरे ACP और सभी कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत ली। मैं हमेशा से मुंब्रा कौसा के जितने आवाम है उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पुलिस की हमेशा सहायता की है, उनको सपोर्ट किया है। तो ईद का जो त्यौहार है, जिस तरीके से हर त्यौहार यहाँ पर पुलिस और यहाँ की आवाम एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से पुलिस विभाग भी इस बार मुंब्रा के तमाम आवाम को ईद की मुबारकबाद देता है और हमेशा मुंब्रा में अमन शांति का माहौल कायम रहे, यही कामना करता हूँ। मैं रमज़ान ईद के लिए मुंब्रा वासियों को सबको शुभकामनाएं देता हूँ, हंसी खुशी और से वो त्यौहार मनाया जाए ऐसी आशा करता हूँ। रमज़ान के दिनों में जो बाजार लगता है रमज़ान का, उसके कारण ट्रैफिक की समस्या होती थी। इस बार हमारे जो PI साहब है, ACP साहब है, सब ने मिल के और मुंब्रा के जो लोग हैं उनके सहकार्य से वो मसला काफ़ी हद तक ठीक किया है और हमारी प्रतिक्रिया भी लोगों से आ रही है कि लोग बहुत खुश है उससे। बहुत खुशी का दिन है ये, बहुत खुशी का दिन रहा ये और सारे लोगों के लिए अमन चैन का पैगाम मिला और देश की तरक्की के लिए दुआ हुई और सारे इंसान जो है अच्छे से रहे, मिल मोहब्बत से रहे। ये प्यार मोहब्बत का त्यौहार है, ये मुबारक महीना है, मुबारक दिन है, अपने मुबारक साहब से दिल साफ करते हैं और एक दूसरे से जो है खुशियाँ बांटते हैं और सबसे दिलों के गिले शिकवे दूर करते हैं और जो है शिरखुरमा पीते हैं, जो मीठा मुँह करते हैं और सबके दिलों में जो है अपने दिलों से जो है अपनी नफरतें निकाल के अपने सबको माफ़ करते हैं, सबको और सब खुशियाँ बांटते हैं, मैं यही कहूँगा। और ये हिंदुस्तान हमारा है, सब मिल बांट के रहना है, यहाँ धर्म जाति वाटी कुछ नहीं है, सब मिलजुल कर रहे। लोगों ने मस्जिद में भीड़ होने की वजह से सड़कों पर भी नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी। देश भर में अमन और शांति के लिए दुआएं भी मांगी गई। ईद एक ऐसा पर्व है, लोग शिकवे गिले भूल कर एक दूसरे को अपने घर बुलाते हैं और सेवैयाँ पिलाते हैं और ईदी भी देते हैं। आज ये त्यौहार पूरे देश भर में बड़े ही खुशियों के साथ मनाया गया है और ईद के इस त्यौहार पर आप सभी को प्रहार टाइम्स की तरफ से ईद मुबारक। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।